नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। दौसा जिला मुख्यालय पर ही शराब की दुकानों के आए दिन शिकायत आने पर आबकारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, आखिर क्यों? वही जब जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने सभी उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शराब की दुकानों पर विशेष रूप से निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दौसा SDM संजय कुमार गोरा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। वही कई शराब की दुकानें 8 बजे बाद संचालित पाई भी गई। वही दुकानदार शटर लगाकर भागते भी नजर आए। कहीं ना कहीं कलेक्टर तो एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग दूर दूर एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। आखिर अधिकारी लगता है किसी दबाव में है। वही दौसा में शराब की 14 दुकान है, लेकिन कई दुकान आबादी क्षेत्र में भी मौजूद है जहां शराबियों का जमावड़ा तो होता ही है, लेकिन शराबी दुकानों पर भीड़ ज्यादा होने पर रोड पर ही पीते और झगड़ा करते नजर आते हैं, जबकि शराब की दुकानों पर बैठकर नहीं पिलाया जा सकता है। आखिर क्या दौसा जिला, जो कि राजधानी के सबसे नजदीक है, वहां शराब की दुकानों के क्या खुद ने ही अपने नियम कायदे बना लिए हैं? इन सब में अधिकारी की कमी नहीं है तो क्या है? वही कई ठेकेदारों की दुकान की लोकेशन भी गलत तरीके से दी गई है, आखिर क्यों? दौसा में शराब प्रेमी की जेब पर अतिरिक्त भार करवा रहे हैं आबकारी विभाग। आबकारी अधिनियम एवं नियम के अनुसार दौसा जिले में एक दुकान का संचालन नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात की आबकारी विभाग के मंत्री मीना का गृह जिला होने के बाद भी ना किसी अधिकारी या किसी शराब के ठेकेदारों में कोई भय नजर आ रहा है। वही आबकारी अधिकारी अनिल जैन ना जाने किस बात पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, जबकि दौसा SDM संजय कुमार गोरा खुद दुकानों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूर हो रहा है आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों के सामने। ऐसा लग रहा है विभाग नतमस्तक हो गया है ठेकेदारों के सामने। दौसा में शराब प्रेमी को अपनी जेब से 1.5 गुना वहन करना पड़ता है।